खबर आपको हम बता दें, बिहार में स्पीकर चुनाव आज हो रहे हैं और उससे पहले लालू यादव के कथित ऑडियो से सियासत के शोले बढ़ गए हैं। बीजेपी ने लालू का ऑडियो जारी किया है। ऑडियो में लालू बीजेपी के विधायक ललन पासवान से बात करते हुए सुनाई दे रहे हैं। हेलो, हाँ प्रणाम, विधायक जी बोल रहे हैं? मैं उनका पीए बोल रहे हैं सर। हाँ दीजिए तो साहब बात करेंगे, माननीय लालू प्रसाद यादव। लालू प्रसाद यादव जी? जी रुक जाइए सर, एक मिनट रुक जाइए लाइन। हाँ दे रहा। हेलो जी, कहाँ से सर? रांची से। अच्छा अच्छा। हेलो जी, प्रणाम सर, साहब बात करेंगे। जी हाँ, पासवान जी बधाई। जी प्रणाम, चरण स्पर्श साहब क्या? ठीक है, खुश रहे, खुश रहे। जी अच्छा लगा, ठीक है। अच्छा सुनो, हाँ हम लोग तुमको आगे भी बढ़ाएंगे, वहाँ आप बढ़े बने। तुम कल जो स्पीकर का चुनाव है उसमें हम लोग का साथ दो, तो उसका हम तुमको बनाएंगे, मंत्री बनाएंगे। कल तो इनको हम लोग गिरा देंगे, समझे ना? हाँ तो पार्टी में नहीं सर, मैंने पार्टी में है तो एब्सेंट हो जाओ ना। पार्टी में हो तो एब्सेंट हो जाओ। अच्छा अच्छा, कोरोना हो गया था, फिर तो स्पीकर हमारा हो जाएगा, तो हम लोग देख लेंगे ना। पार्टी में सर थोड़ा सा ठीक है सर। अरे बेकार का एब्सेंट हो जाओ तुम पासवान जी, आपके तो संज्ञान में होगा ही सर, चेहरा हम बात करेंगे सर। ठीक है, ठीक। और हमारे साथ बने हुए हैं लगातार आरजेडी से मृत्युंजय तिवारी और बीजेपी से शहनवाज हुसैन। मृत्युंजय जी क्या कहेंगे, सुन लिया होगा आपने फिर से, और कई बार सुन लिया होगा ये ऑडियो? नहीं, हम तो सुन रहे हैं। देखिए, लालू जी के फोबिया से तो हमारे विरोधी ग्रसित हैं, आपको पता है। इसके पहले भी बहुत तरह के निराधार अनर्गल आरोप लगाते रहे हैं। इनको तो मुद्दे पर बात करने की हिम्मत है नहीं, 19 लाख रोजगार पर बात नहीं करेंगे, ये बात तो करेंगे। लालू जी ने फोन किया, लालू में बात हो गई है। मृत्युंजय जी ये बताइए कि ये ऑडियो, हम सीधा सीधा आपसे सवाल पूछ रहे हैं, ये ऑडियो लालू जी का है या नहीं, इस पर आप क्या कहेंगे, क्या स्टैंड है आपका? देखिए, हम तो कोई इसके जांच के स्पेशलिस्ट है नहीं। ये ऑडियो राजनीतिक माइलेज लेने के लिए है, इसमें कहीं कोई तथ्यहीन है, इसमें कहीं कोई दम नहीं है, सच्चाई नहीं है। इस तरह के ऑडियो वीडियो वायरल होते रहे हैं, कोई तथ्य नहीं है, यानी कि कार्रवाई की मांग करेंगे आप? देखिए हम चलिए पहले हम सुन लेते थे, तेजस्वी यादव कुछ बोल रहे हैं। की हत्या है, संविधान की हत्या की जा रही है, और बाहर तो इनके लोगों ने छोड़ी की, बेईमान अफसरों ने। और आज जो स्पीकर विधानसभा का चुनाव हो रहा है, इसमें भी धांधली की जा रही है। क्योंकि आप देखे होंगे कि ध्वनि मत जो एमएलसी है, जो एमएलसी नहीं है, दो दो व्यक्ति मंत्री के नाम पर बैठे हैं और वो ध्वनि मत में भाग ले रहे हैं। निश्चित तौर पर उनके आदमी कम है संख्या, हम लोग के कैंडिडेट के सपोर्टर्स बहुत अधिक है। जैसे चुनाव में मतगणना के समय चोरी की, वैसे यहाँ ये लोग चोरी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री फर्जी वोटर खुद बनकर के बैठे। चलिए, ये अभी स्पीकर के चुनाव को लेकर हंगामा हो रहा है। तेजस्वी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को नहीं रहना चाहिए सदन में, इसको लेकर हंगामा है। मृत्युंजय जी आपसे पूछ रही थी सवाल, आपने ये कहा है कि आप नहीं मानते ये लालू प्रसाद यादव की आवाज है, यानी कि आप ये मान रहे हैं या फिर आप मांग करेंगे कि इस पूरे मामले पर कार्रवाई हो? देखिए श्वेता जी, जांच होनी चाहिए या नहीं? देखिए श्वेता जी, राजनीतिक हमारे विरोधी राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं, इसी तरह के आरोप लगाते रहते हैं। सुशील मोदी जी को डिप्टी सीएम से हटा दिया गया, उनकी पीड़ा समझ सकते हैं। आप वो ये चर्चा में बने रहने के लिए सब खेल करते हैं, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। नहीं नहीं, चलिए ठीक है, अगर आप सही हैं तो आप ये बोलिए ना कि क्या सुशील कुमार मोदी के खिलाफ कार्रवाई की आप मांग करेंगे? क्या ये जो अगर आपके हिसाब से ये डॉक्टर्ड ऑडियो है टेप, तो क्या इस आप चाहेंगे कि इसकी जांच हो? आप मांग करेंगे इस बात की? हम तो इस आज तक के चलिए हम बात करने की फिर से कोशिश करेंगे। शाहनवाज जी साफ तौर पर कह रहे हैं मृत्युंजय जी कि ये एक तरह से डॉक्टर्ड ऑडियो है और ये साजिश है आप लोगों की। देखिए श्वेता जी, मेरे पास एप्पल का मोबाइल है, इसमें टेप की सुविधा नहीं है, लेकिन
ललन पासवान के पास जो मोबाइल है उसमें और वो ऑटोमेटिक उनके पास था। और ये समझ जाइए, एक विधायक पहली बार जीवन में जीत के आया है, उसको लगा लालू जी बधाई के लिए फोन कर रहे हैं और वो उसको तुरंत कह रहे हैं कि पार्टी में एब्सेंट हो जाओ, कोरोना वाला बहाना कर लो, तुमको मंत्री बना देंगे। ये तो सीधे लालच दिया जा रहा है, कहीं ऐसा होता है? मैंने आपसे पहले कहा लालू जी नहीं जानते हैं, ये बीजेपी का कार्यकर्ता है, बीजेपी का कार्यकर्ता अपनी जान दे देगा लेकिन पार्टी को दगा नहीं देने वाला।